हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि CPRI यानी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, वहाँ से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ लेटेस्ट न्यूज में व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर सेकेंड नंबर पर ही दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर CPRI RND पोस्ट ग्रेजुएट प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर 26 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर थर्ड नंबर पर ही दिया गया है डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड MTS के लिए है। यहाँ से आप रिलेटेड लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF फाइल ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं। तो 15 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर 2022 के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक 1 नवंबर 2022 से यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप 1 नवंबर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइए डिटेल्स देख लेते हैं, क्या डिटेल्स दी गई हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिक्रूटमेंट नंबर CPRI 11/2022 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एंड यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के लिए टोटल 20 वैकेंसी है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 7 है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 15 है, असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड के लिए 16 वैकेंसी है एंड MTS ग्रेड फर्स्ट के लिए 7 वैकेंसी है। एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहां से देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के लिए आपके पास फर्स्ट क्लास BE या BTEC इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ग्रेड स्कोर 2021-22 का भी होना चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से सभी पोस्ट पर फॉलो होगी। यहाँ पर अलग अलग ब्रांच में वैकेंसीज दी गई हैं, तो ब्रांच वाइज डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, यहां पर BSc केमिस्ट्री में मांगा गया है, 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित ब्रांच में मांगा गया है। एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए यहां पर 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या सिविल में, या मैकेनिकल में मांगा गया है, साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एंड टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में मांगा गया है, जो कि 10th स्टैंडर्ड या SSC के बाद यानी 10+2 के बाद होना चाहिए। एंड 28 ईयर कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड के लिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, साथ ही आपके पास टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर होनी चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 30 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। MTS ग्रेड फर्स्ट वॉचमैन के लिए यहाँ पर एक्स सर्विस मैन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, एयरफोर्स में रहे हों और 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। UWS में 45 ईयर है, OBC में 48 ईयर, ST के लिए 50 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 नवंबर 2022 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 1 नवंबर से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड पे स्ट्रक्चर एंड जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो
इंजीनियरिंग ऑफिसर गेट फर्स्ट के लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आपका सिलेक्शन गेट स्कोर 2021 या 22 के बेस पर होगा, जबकि साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल 6 की सैलरी है एंड टेक्नीशियन गेट फर्स्ट के लेवल 2 की सैलरी है, असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड के लेवल 4 की सैलरी है एंड एमटीएस ग्रेड फर्स्ट के लिए लेवल 1 की सैलरी है। इन सभी के लिए आपका यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक 1 नवंबर से एक्टिवेट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।